अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज आपको वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी बताते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो भी मटेरियल इसके लिए यूज़ होता है, राइस पानी में भिगोए हुए हैं, ये कुछ मसाले वगैरह जैसा कि सॉल्ट मिर्च वगैरह, ये आप देख सकते हैं पोटैटो और मटर हैं, ये 3 अदद रेड ओनियन है और 2 जो है वो वाइट ओनियन है, टोमेटो, उसके अलावा लेमन और हरी मिर्च जो कि लंबी काटी हुई है, और ये कुकम्बर है जो कि सैलड के लिए यूज़ होगा। ये मसाले वगैरह हैं जो पीस के रखे हुए हैं, कुछ पीसे बगैर ही पड़े हुए हैं जो वैसे ही डाले जाएंगे। तो ये धनिया वगैरह आप देख सकते हैं फ्रेश, ये आप देख सकते हैं पुदीना है फ्रेश। तो ये ऑयल की बोतल है सैजी, जो कि पाम ऑयल है ओरिजिनल मलेशिया का, इसके अंदर हम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन करके इसकी हीट सेट करेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसकी हीट जो है 120 पे सेट की है। तो अभी ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद फिर इसमें अच्छा जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो ये चूँकि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अभी इसके अंदर हमने प्याज डाले हैं, जो कि 3 से 4 प्याज जो हैं रेड हैं ओनियन, और जो 2 अदद हैं वो सफ़ेद ओनियन है। ये अभी इसकी हीट थोड़ी सी कम की है ताकि ये जले ना। तो प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो चुका है, और अभी आप देख सकते हैं कि मज़ीद ब्राउन हो रहा है थोड़ी सी देर, और प्याज को और पका के जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे टोमेटो और सब्ज़ मिर्च जो कि लंबी काटी हुई थी वो हमने डाली हैं। अभी इनको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये टोमेटो जो हैं बिल्कुल नरम हो जाएं और ये भी मसाले की तरह ही बन जाएं। और ये जो हरी मिर्च है, ये आपने इसमें लंबी काटी हुई ही डालनी है, ये आपने छोटी काटी वाली वो इसमें नहीं डालनी, वरना ये खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो अभी थोड़े थोड़े टमाटर जो हैं आप देख रहे हैं कि नरम हो रहे हैं, थोड़ी देर इनको और पकाएंगे ताकि ये टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएं। ये इसमें हम हसबे ज़ायका नमक शामिल करेंगे, जितना भी नमक आप डालना चाहें जैसा आपके घर में आपकी फैमिली में चलता है। ये आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और मिर्च जो कि आपस में मिक्स की हुई है वो ऐड की है थोड़ी सी, और ये जो मसाले वगैरह हैं वो ऐड किए हैं, जिसमें गरम मसाला जो होता है, काली मिर्च गोल वाली, लौंग होती है, दालचीनी होती है, इसके अलावा 2-3 और होते हैं मसाले, वो तमाम ग्राइंड करके डाले हैं। अभी हम इसमें आप देख रहे हैं टमाटर और मटर जो हैं वो ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो टमाटो और प्याज का मसाला था वो तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें हल्दी भी डाल ली है, मिर्च भी डाल ली है, नमक भी ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये ढक्कन दे देंगे ताकि थोड़ी देर इसमें भाप बने और ये बआसानी गल सकें। इलेक्ट्रिक स्टोव का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा कम किया है, और अभी 1 कप इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पानी इसमें कम था, फिर खुश्क हो जाने की वजह से ये सब्ज़ी जो है वो जल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, अब पानी की मिकदार सही है, ये इसमें बआसानी आराम से पक सकेगा। तो थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा जी, थोड़ा
थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं अभी पानी का कोई बॉयल वगैरह आना नहीं शुरू हुआ। तो ये जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे उसका पानी निकाल रहे हैं ताकि हम चावल जो हैं वो इसमें ऐड कर सकेंगे। ये सुपर बासमती चावल हैं जो कि आप देख सकते हैं अभी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको आराम से इसमें मिक्स करेंगे ताकि चावल बिल्कुल भी कोई टूटने ना पाए, क्योंकि जब चावल गीले होते हैं तो फिर अगर उनको तेज़ी से मिक्स किया जाए तो वो टूट जाते हैं, जो कि पुलाव में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये देखा है आपने कि इसको बड़े आराम से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये इसमें तकरीबन 2 से 3 लेमन जो हैं वो अभी निचोड़ेंगे ताकि पुलाव का जो जायका है वो थोड़ा सा मज़ीद अच्छा बन जाए। ये आप देख रहे हैं कि पक रहा है, मसाला वगैरह भी तमाम चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुकी हैं। ये अभी पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि राइस कुछ हद तक बॉयल होने की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद हलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और ये धुआं आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक पक रहा है और इसका टेम्परेचर अभी 99 पे सेट किया गया है ताकि इसको जो भी हीट नीचे से पहुंचे वो तकरीबन एक ही तरह की पहुंचे। जब टेम्परेचर एक सेट कर लें तो फिर उस पर पता होता है कि इतनी सी देर में पक जाएगा ना, इसलिए हमने इसका टेम्परेचर सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक धुआं निकल रहा है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये वेजिटेबल पुलाव हम बना रहे हैं, आलू और मटर वाला। और ये आप देख सकते हैं कि पानी मज़ीद खुश्क हो चुका है, बल्कि काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी अभी बाकी है जो कि निचली सतह पे है, बाकी ऊपर से मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको ढाँप देंगे। ये देखें हमने उठाया तो वो भाप की वजह से आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी अभी भी इसमें बाकी है, लेकिन वो अभी थोड़ी ही देर में खुश्क हो जाएगा और हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जिसे हम फिर बआसानी खा सकते हैं। ये पुलाव की रेसिपी थी। ये पानी खुश्क होने के बाद हमने प्लेट में डाला और आपको दिखाते हैं अभी। ये साथ में इसके जो है रायता बनाया हुआ है और ये गर्मा गर्म वेजिटेबल पुलाव जो है वो तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये साथ में कुछ सैलड है जिसमें जो भी चीज़ें शामिल हैं।